जिंदगी की कड़ियां बड़ी नाजुक होती हैं। जब टूटने पर आती है तो एक एक कर ऐसी बिखरती है कि दर्द दिल से निकलकर जुबा पर आ जाता है। और आज के दौर की अगर बात करें तो इस वैश्विक कोरोना महामारी ने देश की जनता के दिल में यही दर्द पैदा कर दिया है। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं भारत एट 9 और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। हमारे को हमारे डीएम सर ने पूरा रेमडेसिविर अवेलेबल करा रखा है। जिस मरीज को जरूरत है हमारे हॉस्पिटल में, मैंने आज तक ना बाहर से लिखा है ना मैंने बाहर से मंगवाया है, और हर मरीज को हमारे यहाँ लग रही है। लेकिन हमारे को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल को डीएम सर की तरफ से जुबिलेंट कंपनी लगातार हमको सप्लाई दे रही है। सुना आपने, नहीं सुना तो फिर सुनिए। ये है नोएडा जिला अस्पताल की CMS रेणु अग्रवाल। दावा कर रही हैं कि जिले में रेमडेसिविर की कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी उलट ये तस्वीरें उनके सभी दावों की पोल खोल देती है। पहले रिपोर्ट देखिए। ये रोते चेहरे सिस्टम के सभी दावों की पोल खोल रहे हैं। ये बिलखते चेहरे अपनों की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर न मिलने पर आंसू छलक रहे हैं। प्रदेश सरकार भले ही स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रही हो, लेकिन मौजूदा स्थिति किसी से छिपी नहीं है। लोगों के आंसू उनका दर्द बयां कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तीमारदार CMO दफ्तर के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। CMO साहब बार बार आने पर पुलिस से गिरफ्तार करवाने की धमकी दे रहे हैं। मरीज के परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन की आस में सेक्टर 39 CMO दफ्तर पहुंचे। उनके परिजनों को CMO साहब बार बार आने पर पुलिस से गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। मरीज के परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन की आस में सेक्टर 39 CMO दफ्तर पहुंचकर उनके परिजनों के लिए सांसें मांग रहे हैं। आलम यह है कि मरीज के परिजन CMO डॉक्टर दीपक ओहरी के पैर पर मरीज की सांसें मांग रहे हैं। ये तस्वीरें मरीजों का दर्द बयां कर रही है। ऐसे में मालूम पड़ता है कि वाकई सभी दावे खोखले हैं। निजी अस्पताल मरीजों का प्रिस्क्रिप्शन लिख रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की बात कर रही हैं। कविता बताती हैं कि उनके पति सेक्टर 27 कैलाश अस्पताल में भर्ती हैं। जीवन की जंग लड़ रहे हैं। इंदर गुप्ता कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। उनकी उम्र 48 वर्ष है। उनकी पत्नी CMO के पैर पर पति के जीवन की भीख मांग रही है। वहीं दूसरे अन्य मरीजों के परिजन बताते हैं कि CMO सुबह आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन शाम को मना कर दिया जाता है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए नोएडा से भूपेश सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। देश में इंसानियत अगर जिंदा है तो अफसरशाही इतनी हावी क्यों है? ये सवाल इसलिए कि कोरोना की धधकती आग से चिताओं की तपिश बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन लगता है कोरोना की महामारी में इंसानियत की तस्वीर सच्चाई से मुंह फेर लेती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली ये तस्वीरें कहती हैं। देखिए इन तस्वीरों को, फिर अंदाजा लगाइए बड़े बड़े पद पर विराजमान सरकारी अफसर शाही की ताकत के पीछे इंसानी जिंदगी इतनी कमजोर क्यों हो जाती है। दरअसल ये तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की है। महिला रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए नोएडा के CMO के पैर पकड़ रही है, लेकिन CMO साहब की इसके लिए कोई जवाब नहीं दे रहे। ये उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां इस राज्य को उत्तम प्रदेश बनाने के सपने बुने जाते हैं, देखे जाते हैं। कहा तो ये तक भी जाता है कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरों में साफ है कि जिंदगी से जंग लड़ रहे इंसान के पास न सांस बची है न आस। कहीं भी जाओ वहां से लौट आओ होकर निराश। साइन करके लिख भी दिया कि तुम डॉक्टर मंजीत के पास चले जाओ तो हर हालत में तुम्हें करेंगे बोला। अब सुबह से लेके हम धक्के खा रहे हैं, वो मंगली कर रहे हैं, आए नहीं हमारे अपने स्टाफ को दे रहे हैं, दो चार लेके पाँच जा रहे हैं, सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं। जिस अफसर के ये लोग पैर पकड़ रहे हैं वो CMO डॉक्टर दीपक ओहरी है, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों के CMO दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं। वहीं तीमारदारों का CMO डॉक्टर
दीपक ओहरी पर यह भी आरोप है कि वो बार बार उनके आने पर पुलिस से गिरफ्तार करवाने की धमकी भी दे रहे हैं। बोल रहे कि अवेलेबल होगा तो देंगे, हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोल रहे कि जेल में डलवा देंगे। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने? नहीं दिया। दरअसल नोएडा के सेक्टर 39 में स्थित सीएमओ ऑफिस में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सुबह से ही लोग खड़े हो जाते थे, पर्ची भी जमा करवा देते हैं, लेकिन शाम होते ही उन्हें निराशा हाथ लगी जब सीएमओ कार्यालय ने इंजेक्शन देने से मना कर दिया। पर्ची वापस मिलने के बाद मरीजों के परिजन हताश होकर वहीं रोने लगे और उसके बाद की तस्वीर सामने आई, उसे देखकर तो आपका भी दिल रोने लगेगा। ये वही नोएडा है जहां एक तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की मौत के सौदागर धड़ल्ले से कालाबाजारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस इंजेक्शन के बिना लोगों की जान जा रही है। देश में कोरोना का आंकड़ा क्या कहता है ये भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि इसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले कई दिनों से देश कोरोना वायरस की जबरदस्त मार झेल रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। वोडोमीटर के मुताबिक भारत में कोरोना से 3,285 और मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। दिल्ली और महाराष्ट्र पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। यहां मंगलवार को एक दिन में सबसे अधिक मौत के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। यहां बीते 24 घंटे में मौत के आंकड़े 300 से ज्यादा सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव, बीते 24 घंटे में कोरोना से 895 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के चलते यहां पर मृत्यु दर 1.5 है। मौजूदा वक्त में 42,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन है, 30,000 से ज्यादा लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किए गए हैं। मामलों के साथ सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल सक्रिय मामलों की बात की जाए 98,264 है। यहां संक्रमण दर 32.72% रहा। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड और बंगाल में कोरोना का आंकड़ा, झारखंड में 27 अप्रैल को कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्यों में कुल मामलों की संख्या 21 लाख से ज्यादा हुई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 131 मरीजों की जान गई। सूबे में कोरोना के चलते मरने वालों का आंकड़ा 2,000 से ज्यादा हुआ है। सूबे में सक्रिय मामलों की संख्या 51,000 से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। झारखंड में कुल ठीक हुए लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर ये कहा जा रहा था कि वहां पर कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के चलते 70 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 16,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कोलकाता में 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। गुजरात और यूपी के कुल मामले, गुजरात में पहली बार एक दिन में कोरोना से 170 लोगों की मौत हुई है। यहां वेंटिलेटर पर 418 मरीज हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अहमदाबाद में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। सूरत में 1,000 से ज्यादा, राजकोट में 400 से ज्यादा, वडोदरा में 400 से ज्यादा, जामनगर में 300 से ज्यादा, भावनगर में 200 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 265 मरीजों की जान गई है। यूपी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11,000 से ज्यादा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा लखनऊ में 4,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए हैं। सूबे में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख के ऊपर है। भारत में कुल कोरोना के मामले, देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक हुए लोगों की संख्या 1,45,00,000 से ज्यादा है। सक्रिय मामलों की संख्या 28 लाख से ज्यादा है। मंगलवार की सुबह कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब था। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,97,894 थी। और अब आखिर में जाते जाते एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो देश में सुख शांति के लिए बनाई गई है। एक तरफ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए अब राजनेता ने भगवान का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हवन पूजन कर वातावरण को शुद्ध बनाने की कवायदें भी शुरू कर दी गई हैं।
इसी कड़ी में कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय में कोरोना नियमों के साथ मंत्र उच्चारण कर हवन पूजन किया, साथ ही केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। भारत एट नाइन में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और कड़ी के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।